जीवन मंत्रा योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आप पाइए घर बैठे, वो भी फ्री में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अतिबल की बात करेंगे। अतिबल पौष्टिक गुणों से भरपूर एक औषधि है। आयुर्वेद में इसे बाजीकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका नया नाम खिरैटी भी है। धातु संबंधी रोगों में यह एक कारगर औषधि है। यौन दुर्बलता, धातु क्षीणता व शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के साथ ये अन्य कई प्रकार की बीमारियों में कारगर औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसकी मुख्य चार प्रजातियां पाई जाती हैं, बला, अतिबला, नागबला और महाबला। ये चारों जातियां शीत वीर्य, मधुर रसयुक्त, पुष्टिकारक, कांतिवर्धक, वात, रक्त, पित्त व रक्त विकार तथा व्रण को दूर करने में सक्षम है। मुख्यतः इसकी जड़ और बीजों का उपयोग किया जाता है। कंगनी, कंघी, कंकतिका, ककही, कंकहिया आदि अतिबला के और नाम भी हैं। इसे इंग्लिश में इंडियन मेलो और लैटिन में अबुटिलन इंडिकम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए विस्तार से इसके हम फायदे देख लेते हैं। सबसे पहला है, ये धातु को गाढ़ा करने के लिए अच्छी मानी जाती है। अतिबला यानी खरेटी की ताजा जड़ का लगभग 5 से 6 ग्राम का एक टुकड़ा लें और उसे एक कप पानी के साथ पीस कर छान कर सुबह खाली पेट पीने से शुक्रमेह बंद हो जाता है और धातु गाढ़ा होने लगता है। इसका सेवन कुछ दिन नियमित करना चाहिए। श्वेत प्रदर जिन महिलाओं के है, जिसको ल्यूकेरिया कहते हैं, ल्यूकोरिया में ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ल्यूकोरिया में बला के बीजों को बारीक पीस कर चूर्ण बना लें और इसे छान कर रख लें। एक चम्मच चूर्ण शहद में मिलाकर सुबह शाम लेने और ऊपर से हल्का गर्म मीठा दूध पीने से श्वेत प्रदर की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। अगर शारीरिक कमजोरी है तो इसकी जड़ को पीस कर महीन चूर्ण बना लें। आधा चम्मच चूर्ण हल्का गर्म व मीठा दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से शारीरिक कमजोरी दूर होने लगती है। भोजन में दूध चावल की खीर शामिल करने से भी वजन बढ़ता है, शरीर सुडौल होता है, सातों धातुएं पुष्ट और बलवान होती हैं तथा बलवीर्य व ओज में वृद्धि होती है। मूत्रातिसार में आप देख लीजिए कैसे यूज करना है। समान मात्रा में अतिबला के बीज व छाल लेकर कूट पीस कर महीन चूर्ण बना लें और इसे छान कर रख लें। घी शक्कर के साथ एक चम्मच चूर्ण सुबह शाम सेवन करने से आपकी जो मूत्र नलिका की उग्रता दूर होती है तथा मूत्रातिसार बंद हो जाता है, यानी कि जल्दी जल्दी पेशाब जाने की समस्या प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जिन माता बहनों के मासिक धर्म रुकने की शिकायत है या अनियमितता है तो अतिबला उनके लिए बहुत काम की औषधि है। अतिबला चीनी, मुलेठी, बड़ के अंकुर, पीले फूल की कटेरी की जड़ और नाग केसर की छाल लेकर दूध में पीस लें और इसे घी और शहद मिलाकर कम से कम 15 दिन पियेंगे तो मासिक धर्म उन्हें आना शुरू हो जाएगा। गीली खांसी में भी दोस्तों ये बहुत ही कारगर होता है। खांसी के लिए समान मात्रा में अतिबला, कंटकारी, अड़ूसा के पत्ते, बृहती वे अंगूर लेकर काढ़ा बना लें। 15 से 30 मिलीलीटर काढ़े में 5 ग्राम चीनी मिलाकर दिन में 2 बार लेने से गीली खांसी चली जाती है। अन्य प्रयोग भी देख लीजिए। 40 मिलीलीटर अतिबला की जड़ का काढ़ा सुबह शाम पीने से पेशाब के साथ खून आना बंद हो जाता है। नियमित इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर दिन में 3-4 बार कुल्ला करने से मसूड़ों की सूजन और ढीलापन दूर हो जाती है। ऋतु स्नान के बाद अतिबला नाग केसर को मिलाकर पीस कर दूध के साथ सेवन करने से दीर्घजीवी संतान पैदा होती है। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।